Hey guys, welcome back with another vlog. और जैसे ही हमने चेकआउट किया तो मैंने लेह में एक लास्ट पिक ले ली होटल की. सो गाइज, अब हमने अपना पैंगोंग लेक का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी थी. तो इसलिए अब हम ले टू श्रीनगर की ओर निकल पड़े हैं. सो गाइज, ये लेक की बहुत फेमस प्लेस है. इसका नाम है मैग्नेटिक हिल. और ऐसे कहा जाता है कि अगर आप अपनी कार का इंजन बंद करके उसको वहाँ पे खड़ी कर दें तो वो खुद का खुद चलती है. तो अगर कोई भी ले आता है तो यहाँ ज़रूर जाता है. वाओ, कितना सुंदर रोड है. फर्स्ट टाइम ऐसा रोड देख रहा हूँ मैं. ये NH1 है, ले टू श्रीनगर. ऑसम रोड. सो गाइज, ये बहुत फेमस प्लेस है. इसका नाम है संगम. और ये बहुत ब्यूटीफुल व्यू है. और जो आप सामने एक रिवर देख रहे हैं उसका नाम है जांस्कर रिवर, जो कि हमारे लद्दाख से आ रही है. और जो दूसरी साइड वाली रिवर है जो हमने अभी देखी वो है इंडस रिवर, और ये हमारे तिब्बत से आ रही है. और यहाँ आके इन दोनों का संगम हो रहा है. तो ये कॉन्फ्रेंस है. और इसके आगे जो एक रिवर जा रही है वो जा रही है पाकिस्तान. एंड दिस इज द हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट इन द वर्ल्ड. और इन्हें कहा जाता है गोल्डन माउंटेन्स. सो वी आर इन कारगिल राइट नाउ एंड दिस इज द व्यू. इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल. So right now we are at Kargil market. सो अभी हमारी डेस्टिनेशन है सोनमर्ग, जो कि 63 किलोमीटर अवे है यहाँ से. हम सोनमर्ग तो पहुँच गए थे बट बीच में एक जुजिला पास था, बहुत ज़्यादा डेंजरस था, इसलिए हम शूट नहीं कर पाए वीडियोज़ और ज़्यादा. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम रेडी होके निकल चले अपना कश्मीर की ओर. ऑन द वे टू कश्मीर फ्रॉम सोनमार्ग. फ्रॉम सोनमार्ग ये तो पूरा हमारा पालमपुर वाला व्यू लग रहा है ना. पूरा पालमपुर वाला व्यू है. सो अभी हम कहाँ जा रहे हैं बताइए. सोनमार्ग से निकले हैं और श्रीनगर जा रहे हैं. सोनमार्ग से कश्मीर की ओर रवाना हो रहे हैं. और मुझे हो चुका है कोल्ड बट बहुत मज़ा आ रहा है. मतलब गर्मी है यहाँ पे और मैंने ये कैप पहनी कैप से क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. बट गर्मी है यहाँ पे वैसे तो नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं. ठंड भी नहीं है इतनी ज़्यादा, है ना. गर्मी नहीं है, गर्मी गाड़ी के अंदर है तो लग रही है. बट वी आर इंजॉइंग. आज मज़ा आया हमें. सोनमार्ग भी सुंदर था बट ग्लेशियर हम जा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल थी, वहाँ हमें देखनी नहीं थी क्योंकि हम देख चुके थे वो. और बाकी वहाँ पे कुछ था नहीं, है ना. अब आगे का व्यू दिखाऊंगी. आगे का व्यू नहीं दिखाऊंगी. नाउ वी आर एंटरिंग श्रीलंका. नाउ वी आर एंटरिंग श्रीनगर. सो अब हम फाइनली पहुँच गए थे द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस, कश्मीर की डल लेक. और हमने जाते ही वहाँ पे की शिकारा राइड, जो कि इतना ऑसम व्यू था कि आई कांट इवन एक्सप्रेस इन माय वर्ड्स कि इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था. और हमने वहाँ पूरी लेक की राइड की, शिकारा राइड की, और इतना सुंदर व्यू था. और फिर वहाँ पे शूट भी करवाया कश्मीरी ड्रेस में और हमने बहुत मज़े किए. नहीं था पूरा घास से भर गया है ये.
और गाइस यहाँ पे एक फ्लोटिंग कैफ़े था, वहाँ से हमने अपने लिए कहवा और सैंडविच भी ऑर्डर किए और वो हमारे शिकारा में ही आ गए थे। और फिर वहाँ पे हमें मार्केट भी दिखी, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कश्मीरी ड्रेसेस थी और हमारा जो कैफ़े था ना वो भी यहीं था, और मतलब खाने पीने का सब कुछ अंदर ही था और हम शॉपिंग भी कर सकते थे वहाँ अंदर जाके। और गाइस फिर हमने शिकारा राइड के बाद चले गए वहाँ से अपनी कार में मुगल गार्डन, जो कि वहाँ से 1 या 2 किलोमीटर्स अवे था और वो भी ब्यूटीफुल था। वहाँ काफ़ी फैमिलीज भी आई हुई थी एंजॉय करने और यहाँ से कितना प्यारा व्यू भी दिख रहा था, वाओ। और फिर हम मुगल गार्डन से चले गए रूम्स देखने, बट फिर हमने सोचा कश्मीर आए और हाउस बोट में ना रहे, तो फिर हमने प्लान किया कि हम हाउस बोट में ही स्टे करेंगे। और गाइस हमें जो हाउस बोट मिली थी ना वो बहुत सुंदर थी, और फिर हमने वहाँ पे चेंज वगैरह किया और हम निकल गए शॉपिंग के लिए। और हमारी हाउस बोट से कुछ बाहर का व्यू ऐसा था और अंदर से ऐसी थी, और ये बहुत सुंदर था। फिर हमने यहाँ कुछ पिक्स की स्पेशली अगेन मैंने, और फिर हमारी ट्रिप ख़त्म हो गई। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।